इस वक्त हम उड़ीसा में हैं और उड़ीसा की सभ्यता और संस्कृति की एक अपनी अलग पहचान है। जिस समय मैं यहाँ पर एक देख सकते हैं अलग अलग नृत्यों की एक झलक है। दरअसल उड़ीसा के ट्राइबल्स में जो नृत्य होते हैं उनकी एक अलग झलक आपको देखने को मिलेगी। उड़ीसा में एक G20 का सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसके वेलकम के लिए यहाँ के स्कूल के बच्चे, ट्राइबल्स क्षेत्र के बच्चे लगातार अपने ट्राइबल डांस के तहत लोगों को न सिर्फ वेलकम कर रहे हैं बल्कि एक अच्छा आकर्षण का केंद्र है। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये प्रजाता करके एक ट्राइबल डांस है जिसमें वो बच्चे अपने अलग वाद्य यंत्रों पर झूम रहे हैं और एक यही ये ट्राइबल्स की पहचान है। इधर आप मेरे साइड में देख सकते हैं अलग अलग वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा में ये बच्चे डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और लोगों का वेलकम कर रहे हैं। ये देखिए, इसके अलावा देखिए बहुत सुंदर सा एक नृत्य है जिसका नाम है कुटिया कांदा। यह अपने आप में एक ट्राइबल का नृत्य है। सबसे बड़ी बात है देखिए ट्राइबल्स के वो नृत्य की एक झलक जो आपको वास्तव में उड़ीसा की संस्कृति, उड़ीसा की सभ्यता को दिखाती है। और वास्तव में ये कहा जा सकता है, मैं दिखाऊं मुंडा डांस, ये वो ट्राइबल क्षेत्र का डांस है जिसमें यहाँ के लोग वो बेल्ट, वो पूरा, अगर आप बात करें छत्तीसगढ़, ओडिशा या उत्तराखंड या फिर झारखंड या बिहार का कुछ एरिया अगर माने, इस तरह के ट्राइबल नृत्य की झलक आपको देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात इसमें मैं आपको बता दूं कि देखिए ये पूरे उत्साह के साथ, ये कांधा, दरअसल कंधमाल में कांधा प्रजाति के लोग रहते हैं और कंधमाल का ये एक ट्रेडिशनल लुक में एक डांस है जो अपने आप में लोगों को खास आकर्षित कर रहा है। सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको दिखाऊं ओराओं दरअसल एक आदिवासी नृत्य है जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में किया जाता है और एक सुंदर झलक यहाँ से, अगर मैं दूर तक कैमरे को, अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँ, दूर तक जो आपको झलक दिखेगी वो दिखेगी उन ट्राइबल डांस के। और एक पारंपरिक नृत्य है, वेशभूषा है, सारी चीज़ें। हम बच्चों से बात करते हैं, ये कौन सा नृत्य कर रहे हैं आप बताएं? सोरा, इसके बारे में बताएं। सोरा एक ट्राइबल ये है जी। और हम किसमें इसमें इस बारे में सब किसमें सब स्टूडेंट पढ़ते हैं सब ट्राइबल के, और आज हम सब ट्राइबल के डांस कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए एक अच्छी बड़ी बात है, जो ओडिशा के कंधमाल के सांसद हैं प्रोफेसर अच्युतानंद सामंता, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के तहत कुछ जो ट्राइबल्स के बच्चे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा की सारी जिम्मेदारी ली है, उसी के तहत उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, एजुकेशन किया जाता है, उसी के तहत ये कार्यक्रम है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये मुंडा जनजाति के लोग हैं। बेटे कौन सा डांस है? मुंडा। बताएं इस डांस के बारे में, बताएं क्या है इसमें? इस डांस माघे परब और बाप परब होता है, खासकर झारखंड जो लोग छत्तीसगढ़ यानी ओडिशा में जो लोग रहते हैं वही आदिवासी लोग मुंडा डांस करते हैं। अपना ग्रीन कलर का साड़ी, रेड कलर का साड़ी, उसका कॉस्ट्यूम पहन के हर एक तरह में अपना डिजाइन करके मतलब अपने डांस करते हैं। यही है आज हमारे इस किट में आकर हम लोग ने हमारे गेस्ट को रिसीव किया और हमने डांस किया और हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए मुंडा जनजाति के लोग हैं जो लगभग उड़ीसा के साथ साथ झारखंड में भी डांस करते हैं। और देखिए बड़ा प्यारा सा डांस है कुटिया कांधा, इसके बारे में जानते हैं बेटा, ये कौन सा डांस कर रहे हैं आप लोग? कुटिया कांधा। ये उड़िया कांधा नृत्य है, यानी कि अलग अलग आपको सांस्कृतिक झलक मिलेगी देश की। हमारे भारत की एक सांस्कृतिक परंपरा है, एक धरोहर है और एक कहने के लिए जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है उसकी सुंदरता है। और सुंदरता है देखिए अलग अलग पारंपरिक परिवेश है, अलग अलग वेश है, लेकिन मिशन एक है, लेकिन एक मकसद एक है कि हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता किस तरह से। और ये बोंडा डांस है कि बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे एक नृत्य कर रहे हैं। बेटे कौन सा डांस है ये? बोंडा। ये क्या कर रहे हो उसमें डांस में? हम नाच रहे हैं ये बच्चे वो बता रहे हैं कि हम नाच रहे हैं और हम स्वागत कर रहे हैं लोगों का। और मैं आगे चलता हूँ, आपको देखिए ये प्रजाता करके एक ये नृत्य है जो यहाँ के ट्राइबल्स बच्चों के लिए एक खासा अहम माना जा सकता है, एक बड़ी बड़ी अच्छी वेशभूषा। और देखिए वाद्य यंत्रों के साथ ये लोग न सिर्फ लोगों का वेलकम कर रहे हैं बल्कि एक अपनी संस्कृति, एक सभ्यता की झलक भी आपको देख सकती है। दूर तक अगर आप देखेंगे दूर तक तो ये झलक आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और वास्तव में यह देखिए इसका एक आनंद है, एक अलग
अलग अलग सांस्कृतिक विरासत है हमारी जो ओडिशा अपने आप में संस्कृति प्रधान सभ्यता प्रधान है उसके लिए ये लोग नृत्य कर रहे हैं। ये कौन सा नृत्य कर रहे हैं आप? ये संताल नृत्य है, ये डांटा नाचो कहता है जी। इसमें क्या किस तरह से डांस करते हैं, क्या करते हैं? ये बहुत प्रकार डांस है लेकिन ये दोंग जो आम को बोलता है। ये संताल के लोग हैं जो संताल के डांस कर रहे हैं, आप कौन सा नृत्य कर रहे हो? संताली। ये भी संताली नृत्य कर रहे हैं, महिलाएं हैं पुरुष, अलग अलग वेशभूषा है, संस्कृति है, सभ्यता है और अलग अलग रंग है ट्राइबल्स के। यहाँ से लेके और दूर तक अगर देखें तो उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत सभ्यता और संस्कृति का रूप है। कुल मिला के कहा जाए तो देश में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग रंग है और उसकी सबसे अच्छी झलक है हमारी एकता की मिसाल है कि अलग अलग रूप रंग संस्कृति वेशभूषा के बाद भी हमारा जो जो मकसद है वो एक ही है, भारत को एक सूत्र में पिरोना। और जिसकी एक खूबसूरत तस्वीर, जिसकी एक खूबसूरत तस्वीर जो है आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उड़ीसा के, वो अपने नृत्य और जो अपने डांस हैं और जो अपनी परफॉर्मेंस है उसके आधार पर यहाँ दे रहे हैं। कैमरामैन रतुल बरुआ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, उड़ीसा, सनसेट टीवी।